हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। ये देखिए 7:30 बज रहा है और आज है 24 दिसंबर। दीप आने वाले हैं। कॉल आ गया था कि रेडी हो जाओ। एक्चुअली टुडे आई एम सो हैप्पी। कल है 25 तारीख, 25 दिसंबर है, तो कल कुछ बच्चों को कपड़ा देना है, तो मैंने सोचा यार 25 दिसंबर से अच्छा दिन कौन सा हो सकता। सो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है मुझे। और मुझे लेना है मेरे घर के लिए, बचपन से जब मैं टीवी देखती थी ना, जब लोग सब जब हीरो हीरोइन की फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाती थी ना, यार सच बता रही हूँ, बचपन के जो सपने थे मेरे वो थोड़ा सा अलग थे। आई नो उस टाइम मैं जानती थी कि ये सब पॉसिबल नहीं है। उस टाइम मुझे यही लगता था कि ये सब सिर्फ टीवी में ही होना है, रियल लाइफ में नहीं होना है। गांव से थी तो गांव से बाहर निकलने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी आपको अपना सपना बताती हूँ, प्लीज हंसना मत यार, आप लोग मेरी फैमिली हो। हाँ आप लोग मेरी फैमिली हो, तो इसीलिए आप लोगों से बताती हूँ। प्लीज आप लोग हंसना मत, मैं बताने जा रही हूँ। नहीं अभी बता दूँ कि लास्ट में बताऊँ, अभी नहीं बताती हूँ, अभी लास्ट में बताती हूँ। चलो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे दी आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है, तो मैंने मेरी स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। प्लीज़ चेकआउट, लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। एक्चुअली क्या है? हाँ बाबू, सो अब मैं चल रही हूँ फटाक से रेडी होने, बाद में बताऊंगी। सस्पेंस थोड़ा सा रह गया है, वैसे कई लोगों को पता चल गया होगा मेरा जो सपना मैंने बताया वो समझ के। किन किन को समझ में आया जल्दी से कमेंट कीजिए। फटाक से मैं रेडी हो जा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो फेस पे लगानी है, तो चलो मैं वो लगा लेती हूँ, आप लोगों के सामने ही लगा लेती हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ जीविका रोज ग्लो टोनर, ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ही है। रात का टाइम है तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगाने वाली हूँ। ये देखिए जीविका टोनर काफी अफोर्डेबल रेंज में आता है गाइस, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी जस्ट बाबू की जो टीचर है वो गई हैं, तो ये फ्री हो गए हैं बदमाशी करने के लिए। क्यों नहीं, नहीं फ्री तो हो गए हो आप। इसके बाद मैं ले रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ले रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि है कामा आयुर्वेदा का। मैंने मेल्ट कर लिया हुआ, नहीं तो जम जाता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ वाव की। सो इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए, तो इसको ऐसे मिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ देर आपको मसाज करना पड़ेगा, तभी आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगती है, काफी ग्लोई लगती है, लेकिन हाँ आपको अच्छे से मसाज करना है स्किन का, नहीं तो फिर कोई प्रॉफिट नहीं। अगर आप मसाज नहीं करोगे अच्छे से ना, तो ग्लोई बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपकी स्किन। ये देखिए अब इसको जो बच्चा है हाथों में लगा के अच्छे से मसाज कर ले रही हूँ मैं। ये देखिए आप, अगर आप इस सनस्क्रीन को इस स्किन व्हाइटनिंग सीरम को आप वैसे ही यूज करते हो, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो पैचेज आ जाते हैं, इसलिए मैं इसको हमेशा किसी ना किसी सीरम में मिक्स करके ही लगाती हूँ। बस अब कुछ देर के लिए छोड़ देना है ताकि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब तक ये स्किन में एब्जॉर्ब हो रही है, मैं मेरी आईब्रो फिल कर ले रही हूँ। आईब्रो फिल करने के लिए मैं यहाँ पर लोरियल का ब्रो आर्टिस्ट यूज कर रही हूँ। थोड़ा बहुत फैल जाता है तो बस
कुछ इस तरीके से कर ले रही हूँ। अब बढ़ते हैं लिपस्टिक की तरफ। तो यहाँ पर लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ मू महीम सेड मेबलिन का, कुछ इस तरीके का है। सो चलो मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, नहीं तो मार्केट चलकर ही मिलती हूँ, ठीक है। अब हाँ मेरे पास बात करने का टाइम नहीं रह जाएगा क्योंकि 8:15 अभी बज गया है, तो अब मैं मार्केट चल के ही मिलूँ। सो निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गया, 8:15 के नियर अबाउट टाइम था। कोहरा देखिए आप कितना तगड़ा वाला कोहरा पड़ा हुआ है। तो हम लोग चल रहे हैं फर्नीचर जहाँ पर मिलता है वहाँ पर। सच बता रही हूँ आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि आपसे बता नहीं सकती हूँ। बचपन का जो मेरा सपना था वो आज पूरा हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होगी। मैं सच बता रही हूँ यार कि मैंने एज तक नहीं सोचा था कि मैं कभी गांव से बाहर निकलूँगी। सो थैंक यू सो मच दीप कि आप मुझे ले आए। तो चलो देखते हैं क्या क्या लेते हैं। सो हम लोग आ गए हैं फर्नीचर के दुकान पे। इस दुकान का नाम है अफोर्डेबल फर्नीचर, यहीं से हमें सारी चीज़ें लेनी हैं। तो चलो कुछ टाइम बाद मिलते हैं। हमें हमारी स्टूडियो रूम के लिए सोफ़ा भी लेना है, तो हम वो भी देख रहे हैं। देखो मैं कैसे आई हूँ, देख रहे हो। सो गाइज गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 9, बहुत लाइट आ जा रही है। ये देखिए बाहर कोहरा देखिए, इधर से ये देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। और कल रात में हम लोग काफ़ी लेट आए थे इसलिए ब्लॉग का एडिट नहीं कर पाए। अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया हुआ है, बता दे रही हूँ फिर दिखाती हूँ। एक्चुअली हमने डाइनिंग टेबल ले लिया, बचपन से हमारा शौक था कि हमारी भी फैमिली ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाए। मैं हूँ मेरी स्टूडियो रूम में, सामने देखो प्लांट्स मेरा कितना हरा भरा हो गया ना। जल्दी मैं आप लोगों के साथ स्टूडियो होम टूर शेयर करने वाली हूँ, रूम टूर की टूर नहीं। और आज है 25 दिसंबर है यार, हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एंड सामने कोई मुझे देख रहा है। तो आज चलना है बाहर, थोड़ा बहुत काम है, बट इस ब्लॉग का मैं करूँगी एंड। पहले आप लोगों को दिखा दूँ, बताइएगा मेरा डाइनिंग एरिया कैसा लगा, डाइनिंग टेबल आपको कैसा लगा। अभी लोग चाय पीने जा रहे हैं, उठे तो कब के हैं, कल रात में कुछ बंद नहीं हो रहा है। डर लगता है बाबू ना जाए, कोई नहीं अभी बंद करते हैं फिर देखते हैं। बंद हो रहा है यार, कोई नहीं। कल ही हमने भाई को बुला लिया था रात में, क्योंकि किसी का साथ तो चाहिए था ना उस काम के लिए।
सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी डाइनिंग एरिया। ये देखो बाबू आता है। बाबू तो देखो ये है मेरा डाइनिंग टेबल आरती। तो यहाँ पर चाय सबकी निकाल के रखी गई है। दीप चाय ठंडी हो रही है तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज ये रहा मेरा डाइनिंग टेबल, 6 सीटर है ये। और यहाँ पर चाय पकौड़ी रखी है, सब लोग आ जाओ चाय पकौड़ी खाने के लिए। अभी मैंने डाइनिंग एरिया को ऑर्गेनाइज नहीं किया है क्योंकि रात में ही आया है, तो बस ऐसे ही मैंने जो बेडरूम के लिए रखा था उसको यहाँ पर लगा दिया है चीज। आज इसमें काफी कुछ करना है, देखते हैं क्या कुछ करना है। ए देखो भाई और दीप, तो चलो ब्लॉग हो गया है काफी ज्यादा लंबा, अभी ब्लॉग का करती हूँ इन। डाइनिंग टेबल कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरी चाय भी ठंडी हो जा रही है, चाय पी लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, नहीं अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, आज के ब्लॉग में नहीं क्योंकि आज का ब्लॉग लंबा हो गया। सो अब दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।